एसटीएफ लुधियाणा ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले जज के स्टैनो ते उसके साथी नूं गिरफ्तार करके उन्होंने कब्जे चों 2,90,00,000 रुपए मुल की हैरोइन बरामद की है। काबू किए गए व्यक्तियों की पहचान धीरज कुमार ते संजय नागपाल वजों हुई है ते दोवें सिरसा के रहने वाले हैं। धीरज कुमार सिरसा च एक जज का स्टैनो है। इस संबंधी जांच अधिकारी नरेश कुमार ने दसा कि दोवों तो होर पुछगिछ की जा रही है। अज मैं समेत पुलिस पार्टी जिहड़े नशे के केसा विच भगौड़े अपराधी ने उन्हां दी तलाश दे विच श्री रेहड़ू साहब गुरद्वारा मेन जी टी रोड सामने वाले मौजूद सी तां इस परमजीत कोल मुखबरी होई के जिहड़े संजय नागपाल उर्फ डिप्पू ते धीरज कुमार धीरू इह नशा बेचण दे आदी ने ते अज वी ना जिहड़ा नशे दी सप्लाई देण लई सामने पुलिस लियाउणा जिस ते जिहड़ी मुखबरी पक्की होण ते इहनां दे खिलाफ मुकदमा एसटीएम मोहाली दर्ज रजिस्टर करके इन्हों राउंड अप करके श्री पवनजीत सिंह एसीपी एसटीएफ मोहाली जी ने मौका पर बुलाया उन्होंने हाजिरी में इन्हें तलाशी ले गई। दौरानी तलाशी संजय नागपाल को 300 ग्राम धीरज कुमार धीरू को 280 ग्राम जी हैरोइन बरामद हुई है। जो संजय नागपाल है इतने पहला भी एक मुकदमा सरहंद थाने दर्ज है तो धीरज कुमार जो धीरू है ये सरकारी नौकरी करता सिरसा कचहरिया शहरी ज सिरसा के जज साहब के नाल बतौर स्टैनो ये करीब 2-3 साल तो यह काम नशे का करते आ रहे हैं तो दौरान पुछगिछ पता लगा कि जो नशा है इन्होंने सिरसा के कोई सुनील सैंडी है उन्हें इन्हों दवाया राहुल वासी उत्तम नगर दिल्ली पासों तो इन्हों अज पेश करके इन्हों का पुलिस रिमांड हासिल किया। हूँ दौरान रिमांड जो पुछगिछ करके होर जो अगे की कार्रवाई अमल जी होंगी हर आमो खास ते हकूमत नु भी करांगे सवाल जवाब आप नहीं तब पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहों तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।